फ्रेंड्स एक बार फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर है और आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है रिन्यूएबल एनर्जी और एडवांटेजेस उसके देखेंगे डिसएडवांटेजेस देखेंगे सोर्सेज भी देखेंगे एनर्जी के इसके अलावा जो रिन्यूएबल रिन्यूएबल एनर्जी है इसके अलावा भी हम देखेंगे कि कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जीज की और कौन कौन सी फॉर्म्स हैं तो यूँ हमें ये समझ आएगा कि रिन्यूएबल एनर्जी किसको कहते हैं मैं मा नफान बलॉसन नाफल अकेडमी और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा आगे चलते हैं देखिए देर आर टू मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी तो पहली बात तो ये कि जो इस वक्त दुनिया के अंदर कैटेगराइज़ किया जाता है बेसिकली इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया जाता है एक तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है और दूसरा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है आप यहाँ पे मैंने इसको ग्राफ की सूरत में बनाने की कोशिश की कि है कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं एक तरफ तो आपको कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ़ एनर्जी दिख रही है जिसके अंदर आप बताया कि कोल पेट्रोलियम और गैस बेसिकली इसका इंडस्ट्रियल यूज़ होता है को, कोल का बिजली को बनाने के लिए कारखानों में भी इस्तेमाल होती है इसके अलावा भी आ, कई पिछले दो तीन सौ सालों से कोल जो है वो डिफरेंट फॉर्म में जो है वो एनर्जी के इस्तेमाल होता रहा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है जो इंसान ने आज तक इस्तेमाल किया कोल को इस्तेमाल किया एक ज़माने में कोयले से इंजन भी चलते थे और पूरी की पूरा मकसद इंडस्ट्री जो है कोयले पे बेस करती थी फिर गैस और पेट्रोलियम के ऐजाद होने के बाद जो है वो पेट्रोलियम और गैस का जो है वो यूज़ ज़्यादा बढ़ता चला गया आजकल व्हीकल्स के अंदर जो है वो आप जानते हैं कि कितना बड़ा जो है पेट्रोलियम का इस्तेमाल है इसके अलावा गैस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो इसी तरीके से डोमेस्टिकली भी इन इन्हीं फॉर्मेट को आप कह सकते हैं कि फायरवुड लकड़ी है जिसको कि आप जलाते हैं इसके अलावा स्ट्रॉ जो है जिसको हम भूसा कह सकते हैं और इसके अलावा ड्राई डंग जिसको हम गोबर कहते हैं तो ये सारी की सारी फॉर्म्स हैं नो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ इनर्जी की जो कि हम आ, रिवायती तौर पे देखते हैं कि दुनिया के अंदर मौजूद है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो एक अलग फॉर्मेट है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि सोलर एनर्जी है ये रीन्यूएबल एनर्जी कहलाती है और विंड एनर्जी है टाइडल एनर्जी है, और जियो एनर्जी है हम रिन्यूएबल एनर्जी को आगे इस प्रेजेंटेशन के अंदर डिटेल में देखेंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी जब आप कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी और जब आप कहते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी ये क्या कैटेगराइजेशन हैं और क्यों कहा जाता है मैं इसको भी बताऊँगा तो बायो एनर्जी इसके अलावा जो है ये भी नॉन कन्वेंशनल है जिसके अंदर आज आप देख रहे हैं आजकल बायो फ्यूल्स जो हैं वो मौजूद हैं यानी कि आप यूँ आसान लफ्ज़ों में कह लीजिए कि आज के दौर में इंसान जो है वो पेट्रोल फैक्ट्रियों के अंदर बना रहा है यानी कि पहले तो ये ज़मीन से निकलता था लेकिन अब पेट्रोलियम जो है वो फैक्ट्री के अंदर बायोमास के यानी कि जो पौधों का जो भूसा है या यूँ कह लेंगे पौधों के जो बीज हैं जैसे कि कॉर्न है इसी तरीके से गन्ने का जो भूसा है उसके जरिए से भी जो है वो अब पेट्रोल बनाया जा रहा है जिसको हम बायोफ्यूल कहते हैं आगे चलते हैं तो ये देखें आप इसके अंदर देख सकते हैं कि मैंने इसमें थोड़ी सी एनिमेशन की है सोलर एनर्जी विंड एनर्जी और इसके अलावा ये जो है वो टाइडल एनर्जी का भी मैंने इसमें एक पिक्चर डाल दी है और ये जियो थर्मल इनर्जी है आगे इसको डिटेल में देखेंगे ग्रोथ तो इसमें कोई शक नहीं है कि आज के दौर में एक मुल्क को अगर इकनॉमिकली ग्रो करना है तो वो इनर्जी के हवाले से जितना सफिशेंट होगा सेल्फ सफिशेंट होगा उसके पास पेट्रोल होगा उसके पास बिजली होगी उसके पास कोयला होगा या रिलेटेड न्यूक्लियर एनर्जी भी आप जानते हैं मौजूद है तो ये सारी की सारी चीज़ें जितना सेल्फ सफिशेंट होगा और आज आप देख लीजिए कि जितने भी बड़े मुल्क हैं जिनके अंदर के आप देखते हैं कि ज़्यादा बेहतर सलाहियत है तो वो एनर्जी के हवाले से आपको सेल्फ़ सफिशिएंट कहीं ना कहीं नज़र आते हैं अब सबसे पहले हम कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को देखेंगे जो कि शुरू से इब्तदा से जब इंसान ने एनर्जी का इस्तेमाल सीखा तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ आया अब देखें एक बात तो याद रखिए कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो नॉन रिन्यूएबल भी कहलाती हैं यानी कि रिन्यू नहीं हो सकती हैं लेकिन इसके इस कन्वेंशनल सोर्स ऑफ़ एनर्जी के अंदर एक सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो ऐसी है जो कि रिनूएबल भी है और वो रीनीबल इनर्जी जो मैंने इसके अंदर मेन्शन कर दी है, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है यानी कि पानी से जो बिजली बनाई जा रही है ये भी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आती है रिवायती तरीक़े हैं पानी से बिजली बनाना लेकिन बेसिकली ये नॉन रिन्यूबल नहीं है बल्कि ये रीनूबल है अच्छा रीनीबल और नॉन रीनबल क्या है मैं आज आपको यहीं पे बता दूं कि नॉन रीनीबल एनर्जी वो होती है जिसको कि आप दोबारा से पैदा ना कर सकें यानी कि अगर ज़मीन के ऊपर एक एनर्जी की फॉर्मेट जो है वो ख़त्म हो जाए तो उसको हम दोबारा से पैदा नहीं कर सकते अगर आपकी समझ में नहीं आया तो मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मिसाल के तौर पे जैसे जैसे कोयला आप ज़मीन से निकालते जा रहे हैं तो कोयला जो है वो ज़मीन में से ख़त्म होता जा रहा है ये दोबारा पैदा नहीं होगा और एक वक्त आएगा कि ज़मीन में से कोयला सारा ख़त्म हो जाएगा यानी कि वो रिन्यू नहीं हो सकता डिप्लीटेबल है यानी कि डिप्लीट हो रहा है ख़त्म हो रहा है ऐसा ऐसा तो इस डिप्लीटेबल एनर्जी है यानी कि रिनीबल नहीं है नॉन रिन्य यानी कि रिन, आप उसको रीन्यू नहीं कर सकते और वो नॉन रिन्यूबल कहलाएगी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जीज़ नॉन रीनल होती हैं ज़्यादातर जैसे कि कोयला जैसे कि पेट्रोलियम जैसे कि गैस आप कह सकते हैं ये तीन मेन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जीज़ हैं जब ज़मीन में से ख़त्म हो जाएंगी तो ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे इसीलिए नॉन रिन्यूएबल कहलाती हैं लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है ये चलता रहेगा पानी जो है वो बहता रहेगा और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनता रहेगा इसलिए इस एनर्जी को आप कन्वेंशनल तो कह सकते हैं कन्वेंशनल इसलिए कहते हैं कि रवायती है सदियों से ये इंसान इस्तेमाल कर तो ये आपके सामने आ गया कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कोयला है इसमें पेट्रोलियम है और जो है वो इसके साथ साथ इलेक्ट्रिकसिटी है गैस है तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं वन बाय वन हम देखेंगे तो नंबर वन पे हम कोयले को देख रहे हैं कोल इज़ द ओल्डेस्ट एंड मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कोयला जो है वो सबसे पुरानी सोर्स ऑफ एनर्जी है कोयले के इंजनों से लेके उस ज़माने में आज से 200 साल पहले कोयले के जो है वो ट्रेनें चलती थी और इसके अलावा इस इसके जरिए से जो है वो गाड़ियाँ भी चलती थी एक ज़माने में भाप भाप के बनी हुई स्टीम इंजन के जरिए से और इसके अलावा भी ये बहुत पुराना सोर्स ऑफ एनर्जी जिससे इंसान हीट हासिल करता है ठीक है जी तो आगे चलते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर दूसरा जो आप अगर आपको नजर आए कोल के बाद कमर्शियल जिसे इंडस्ट्रियल कह सकते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ़ एनर्जी है इसमें कोयल के बाद जो पेट्रोलियम आता है ये आप देख सकते हैं कि आयल एंड नेचुरल गैस तो आप देख सकते हैं कि ये दुनिया के अंदर वाइडली यूज हो रहा है ऑटोमोबाइल से लेकर ट्रेन ट्रेन से लेकर प्लेन और जो समरी जहाज़ हैं वहाँ तक इसको इस्तेमाल किया जा रहा है जो गुज़त दो दहाइयाँ यानी कि सन दो हज़ार के बाद से टेक्नोलॉजिकली इंसान ने इतनी एडवांसमेंट हासिल कर ली कि जो चीज़ें पहले पेट्रोल से चल रही थी अब वही चीज़ें जो है वो आ, गैस से बड़ी आसानी से और फ्रीली कमर्शियल बेस पे चल रही हैं आप देख सकते हैं गाड़ियाँ पहले जो है वो पेट्रोल से चलती थी कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि वो आ, गैस से चलें लेकिन अब जो है वो पिछले बीस सालों से आप देख रहे हैं कि गैस को जो है पेट्रोलियम के मुतबाद के तौर पर ऑटोमोबाइल्स आट, के अंदर व्हीकल्स के अंदर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है तो और इसी तरीके से गैस का इस्तेमाल जो है वो तेज़ी से बढ़ते हुए अब जो है वो इलेक्ट्रिकटी की प्रोडक्शन के अंदर आ गया बिजली को जो बनाया जाता है वो ऐसे इंजनस पैदा किए जिसको हम थर्मल आ, पावर कहते हैं कि थर्मल पावर के ज़रिए से आप जो है वो बिजली बना रहे हैं आ, और ऐसे आपके पास जो है वो जनरेटर्स हैं जो कि बिजली बनाते हैं बड़े बड़े साइज़ के कमर्शल जनरेटर्स हैं और वो जो है वो बिजली बनाते हैं लेकिन उसमें जो ईंधन जलता है वो अब पेट्रोल की जगह जो है वो आप गैस जो है वो इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी बहुत बड़ा इस्तेमाल है इलेक्ट्रिकसिटी के प्रोडक्शन के अंदर गैस का ठीक है जी है वो एक सोर्स ऑफ इनर्जी हालांकि बिजली बेसिकली इंसान बनाता है इसको आम तौर पे कोयले से जो है वो कोयले के प्लांट लगे हुए हैं जिनके जरिए से जो इंजन हैं वो जलते हैं और कोयले के जरिए से बिजली बनती है लेकिन बिजली को भी आप एज सेपरेट जो है वो एंटिटी कंसीडर कर सकते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी की बंद किसी से भी रहिए वो एक अलग चीज़ है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी ख़ुद एक सोर्स ऑफ एनर्जी है क्योंकि आपके घरों से लेके कारखानों तक और हर जगह पे जो है वो बिजली एक सोर्स ऑफ एनर्जी है चाहे उसको आपको पंखा चलाना हो चाहे एसी चलाना हो चाहे कोई कार या चलानी हो चाहे वो कोई ऑटोमोबाइल हो या जो है वो कोई कारखाना हो आजकल जो सबसे इम्पॉटेंट इसका जो नया यूज़ नज़र आता है वो ऑटोमोबाइल्स के अंदर नज़र आता है आपने पहले देखा कि पेट्रोल से जो है वो इंजन चलते थे और पेट्रोल से भी पहले अगर आप देखें तो सबसे पहले कोयले से जो है वो आपने देखा कि इंसान इन ने जो है वो इंजन चलाया और गाड़ियाँ बना ली और उसने एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए ट्रेनें बनाई फिर उसके बाद जो है वो इसकी जगह पेट्रोलियम ने ले ली और फिर पेट्रोलियम के बाद जो है इसकी जगह जो है वो गैस ने ले ली अब आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके तहत यही काम जो है वो अब आपको नज़र आता है किस सूरत में कि इलेक्ट्रिक सिटी के ज़रिए से आप जो है वो गाड़ियाँ चला रहे हैं और यूरोप के अंदर थर्टी परसेंट जो ऑटोमोबाइल्स हैं कारें हैं कार हैं वो सारी की सारी जो है वो बजाय इसके कि पेट्रोल या गैस से चलें वो बिजली से चल रही हैं और ये ज़्यादा साफ़ सुथरी एनर्जी है इन्वामेंट को भी ख़राब नहीं करती है ये जो मैंने आपको पहले ही बताया कि इलेक्ट्रिकसिटी बेसिकली जो है वो या तो पेट्रोलियम uh, से या गैस से जो है वो बनाई जाती है या मैंने तीनों उसके जो है वो नीचे डाल दिए हैं कि किसके ज़रिए से इलेक्ट्रिकसिटी बनाई जाती है थर्मल पावर से भी बनती है इलेक्ट्रिकसिटी इलेक्ट्रिक पावर से बनती है और न्यूक्लियर पावर से बनती है थर्मल का मकसद होता है कि आप इसमें कोयला बिजली कोयला गैस या जो है पेट्रोलियम को यूज़ करते हैं ताकि जो है वो हीट पैदा करें और हीट के ज़रिए से आप जो है वो इलेक्ट्रिकसिटी जनरेट कर लेते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के अंदर पानी की ताकत से जो है वो आप पानी के जो बहाव होता है उसके जरिए से बड़े बड़े टर्बाइन चलाते हैं और यूं जो है वो आप देखते हैं कि बिजली पैदा हो जाती है और न्यूक्लियर के जरिए से भी आप जो है वो हीट पैदा करते हैं हीट के जरिए से आप बिलाकर इलेक्ट्रिकसिटी हासिल कर लेते हैं अब आ जाते हैं कि नॉन कमर्शल एनर्जी की सोर्सेज मैंने आपको बताया था कि उसमें फ्यूल हो जाता है फ्यूल का मकसद कोई भी ईंधन है इसके अलावा लकड़ी आप जलाते हैं भूसा जलाते हैं ड्राई ये नॉन कमर्शल यूज़ है मैंने फिर ये चार्ट आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी है और अब की दफ़ा हम जा रहे हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ तो आप देख सकते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में हम पहले रीनीबल एनर्जीज लेंगे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि रीनीबल एनर्जी वो होती हैं जो कि दोबारा से पैदा हो जाती हैं यानी कि दोबारा कभी भी ये ख़त्म नहीं होंगी ज़मीन के ऊपर और हर सुबह जो है ये एनर्जी जो है वो फिर से मौजूद होगी लेट सपोज़ कि आपने मैंने आपको बताया कि नॉन रीनबल एनर्जी तो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है पेट्रोल ज़मीन से निकल रहा है और पेट्रोल ज़मीन के अंदर से ख़त्म हो रहा है लेकिन सोलर एनर्जी कभी ख़त्म नहीं हो सकती जब तक सूरज ज़मीन के ऊपर निकलता रहेगा सुबह और सोलर एनर्जी आपको हासिल होती रहेगी तो ये रिनीबल है यानी कि ये दोबारा से ताज़ा हो जाती है ये ख़त्म नहीं होती है और ये नॉन डिप्लीटेबल भी कहलाती है कि नॉन डिप्लीटेबल फॉर्म है एनर्जी की डिप्लीट नहीं होती ठीक है जी ख़त्म नहीं हो रही इसी में जो है वो आप देख सकते हैं विंड एनर्जी हवा हमेशा से चल रही है हमेशा चलती रहेगी इसलिए ये भी रीनबल एनर्जी है इसी तरीके से टाइडल एनर्जी और जियो एनर्जी हम इसको बारी बारी देखेंगे अब इसमें अब विंड एनर्जी है आप जानते हैं कि विंड एनर्जी जो है वो किस तरीके से आप आ, आ, के सामने हैं विंड एनर्जी के इस्तेमाल इस्तेमाल ये बड़े बड़े टर्बाइनस हैं जो कि हवा के ज़रिए से घूमते हैं और उसके ज़रिए से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ज़रिए से आपको जो है वो बिजली हासिल होती है इसके साथ साथ जो है वो टाइडल एनर्जी है यानी कि लहरों के ज़रिए से समंदर में जो लहरें पैदा होती हैं उसके ज़रिए से भी आप जो है वो बिजली को हासिल करते हैं बनाते हैं बिजली को और वो बिजली जो है वो फिर आपके काम आती है सोलर एनर्जी के ज़रिए से भी आप बिजली हासिल करते हैं बेसिकली ये सोलर पैनल्स होते हैं और सूरज की रोशनी जो है वो उनके ऊपर पड़ती है तो वो बिजली बनाती है जियो एनर्जी के अंदर क्या होता है कि ज़मीन में से जो है वो आपको बड़े बड़े जो है वो गैस के गोले से निकल रहे होते हैं कुछ जगह हैं दुनिया के अंदर जहाँ पे के गैस जो है वो खारिज हो रही है भाप खारिज हो रही है जिसे आप कह सकते हैं पानी की भाप है वो बाहर निकल रही है तो वहाँ पे वो टरबाइन लगा लिए जाते हैं और टरबाइन घूमते हैं जिसकी वजह से फिर जो है वो आपको बिजली हासिल होती है इनर्जी फ्राम बायो तो बायो वाला ये बायोफ्यूल वाला हिस्सा है कि आप जो है वो बायो के ज़रिए से एनर्जी हासिल करें आज के दौर में वो किस तरीके से कि अगर आप देखें तो इस वक्त जो है वो बायो डीज़ल है या बायो पेट्रोलियम है ये आप हासिल कर रहे हैं और इसके लिए आप जो है वो पौधों का जो भूसा है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं यानी कि पौधों का जो भूसा बचा हुआ है यानी कि गन्ने का आपने गन्ने का रस निकाल लिया और उसके बाद जो भूसा बचा उसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं इथोनॉल फॉर्मेशन के लिए इथनॉल जो है वो बेसिकली बायो पेट्रोल है जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल गाड़ियों के अंदर बिल्कुल जिस तरह से पेट्रोल इस्तेमाल होता है उसी तरीके से कुछ मिक्सिंग के साथ जो है वो आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं इवन बायोडीजल भी बनाया जा रहा है प्रेजेंटेशन क्योंकि रीनीबल एनर्जी के हवाले से तो रीनील एनर्जी के एडवांटेजेस देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या हैं तो रीनीबल एनर्जी इज़ एवरीवेयर एंड इन एवरी कंट्री सबसे पहली बात यह कि रीनीबल एनर्जी हर जगह पर मौजूद है हर मुल्क के अंदर है इसके लिए कोई मुल्क मोहताज नहीं है जैसे कि पेट्रोल है वो ज़्यादातर आपको पता है कि अरब कंट्रीज़ के अंदर है और वो इसका एडवांटेज उठाते हैं और दूसरे जो मुल्क हैं वो मुँह देखते रहते हैं उनके लिए परेशानी हमेशा रहती है लेकिन रीनीबल एनर्जी हर जगह मौजूद है रीनीबल एनर्जी हर मुल्क जो है वो इसको हासिल कर सकता है इसके लिए किसी का मोहताज नहीं है फॉर एग्ज़ाम्पल हवा है हवा हवा से बिजली बनाना हर मुल्क के लिए मुमकिन है अगर उसके पास टेक्नोलॉजी हो इसी तरह से अगर सोलर से एनर्जी बना रहा है तो ये तो बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा जो है वो आ, प्रैक्टिकली पॉसिबल है किसी भी मुल्क के लिए इसके बाद एक दफ़ा अगर ये आपने तरीके से इसको इंस्टॉल कर लिया अपने मुल्क के अंदर तो इसकी मेंटेनेंस कोई ज़्यादा नहीं है ठीक है जी रीन्यूबल एनर्जी मनी को भी अगर एक दफ़ा आपने इसको हासिल कर लिया एक दफ़ा इंस्टॉल कर लिया पहले तो ये काफ़ी पैसा खाएगी लेकिन उसके बाद ये पैसा बचाएगी बेसिकली कुछ मांगती नहीं है आप हवा चल रही है हवा से बिजली बन रही है तो ये तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कोई ऐसी एज ऐस सच कोई आपकी मैंटेनेंस नहीं है ऐसी कोई आपको पैसा लगाना नहीं है रिन्यूएबल एनर्जी हैज़ न्यूमेरियस हेल्थ एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट और इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ है रीनबल एनर्जी जिसके लिए इसको जो ग्रीन एनर्जी भी कहा जाता है वो उसकी वजह यही है यह कि ये ये माहौल दोस्त एनर्जी है इसमें से कार्बन एमिशन नहीं होता और जो कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी है उसमें से कार्बन एमिशन होता है यानी कि अगर आप कोयले को जलाएंगे तो उसमें से कार्बन निकलेगा जो कि एटमॉस्फेयर के लिए बहुत नुक़सानद वो पॉल्यूशन क्रिएट करता है इस तरह गैस या अगर आप पेट्रोलियम को भी या पेट्रोल जैसे कहते हैं पेट्रोल को जलाएँगे तो उससे भी जो है वो कार्बन एमिशन होता है तो इस लिहाज से रीनल एनर्जी जो है वो हमेशा माहौल दोस्त है जिस वजह से इसको ग्रीन एनर्जी भी कहा जाता है डिसडवानटेजेज़ज ऑफ़ रीन्यूबल एनर्जी थोड़े से डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं हर चीज़ के दुनिया में एडवांटेजेस होते हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होते हैं तो डिसएडवांटेजेस रीनीबल एनर्जी की क्या है कि इट इज़ स्टिल कॉस्टली इन मोस्ट ऑफ द केसेस या जाहिर सी बात है कि कॉस्टली अभी तो मैंने आपसे कहा कि सेव मनी सेव मनी तो सेव करेगा लेकिन इसको जब आप इंस्टॉल करेंगे फर्स्ट टाइम तो ये काफ़ी पैसा खाता है अगर एक दफ़ा आप इसको कामयाबी से इंस्टॉल करने में कामयाब हो जाते हैं यानी कि अगर आप एक गरीब मुल्क से गरीब मुल्क है आपका तो वो किसी कर्ज़े लेके एक दफ़ा अगर ये ये फॉर्मेट अपने मुल्क में इंस्टॉल कर लेता है तो फिर ये कि उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता ये है अगर, अगर इस वो इकनॉमिकली किस तरह पॉसिबल करना है वो तो अपने उस मुल्क के सियासतदान या उसके लीडर्स जो हैं वो इसको पॉसिबल करेंगे लेकिन इस लिहाज से वो स्टिल कॉस्टली है स्टिल नॉट अवेलेबल इन मोस्ट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज बिकॉज रिक्वायर्ड इट्स इट रिक्वायर्स न्यू टेक्नोलॉजी और जाहिर सी बात है कि अब अभी भी ये पूरी दुनिया के अंदर हर जगह मौजूद नहीं है हालांकि सूरज तो हर जगह मौजूद है लेकिन सूरज से बनाने वाले जो जो सूरज से आप एनर्जी हासिल करेंगे वो आलात जो है वो आपके पास नहीं है वो आले या वो हथियार या औजार जो है वो आपके पास नहीं है तो वो इक्विपमेंट्स आपको चाहिए वो इक्विपमेंट्स आपके पास नहीं है इस वजह से ये स्टिल अन अवेलेबल है बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर लेकिन इसके लिए बड़े मुल्क जो हैं वो छोटे मुल्कों की हेल्प कर सकते हैं लो एफिशिएंसी लेवल है इस लिहाज से कि ये जगह दो, दोनों को मैं लेता हूँ लो एफिशिएंसी लेवल टेक लॉट्स ऑफ स्पेस ये दो चीज़ें जाहिर सी बात है सूरज की से आपको जब हासिल करनी है एनर्जी तो ये जगह बहुत ज़्यादा घेरेगी इससे हवा से एनर्जी हासिल करनी है तो जगह बहुत ज़्यादा घेरेगी बस ये इसका डिसएडवांटेज है कि एक्सपेंसिव स्टोरेज एंड मैंटेनेंस कॉस्ट तो ये जो है वो मैं आपको आज की प्रेजेंटेशन देना चाहता था अगर आपको पसंद आए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें थैंक यू